संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भूला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आँख से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। कपड़े में वे सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है, वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई, वह गौशाला में कंडे थाप रही थी, वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पार। वह बोली, जाओ पिया हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय, दऊं निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधि हमरी मति बिसरियो राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास ही क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा, वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखती जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी हुई और कथा को सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है।
निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुआरी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से यदि मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जाता है और वह सब सुख शांति हो जाती है। घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो और जो कुछ मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए के गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 रुपए का लेना या 1.25 का भी, जैसी सहूलियत हो उसी के अनुसार लेना बिना परेशानी के। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपए से 1.25 रुपए, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को एक समय निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसी बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घर में घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कर कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर भी व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और उसी परिमाण में खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले जेठ देवर भाई बंधु और कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से चना और गुड़ ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और 3रे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट पा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं,
कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घर में घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे सुबह जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बातें अनसुनी करके दिल लगी उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, भाई देख मेरी बात सुन। इस प्रकार सांच छूट बोलने से के बदले देवता के जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान करके संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे, शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर में जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निबटकर घर को रवाना हुआ। वहां बहू बिचारी जंगल में लकड़ी लेने गई थी, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है, वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान बन गया था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू, बहुत अच्छा माता, ऐसा कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ गया, सूखी लकड़ियों को देखकर उसकी इच्छा हुई कि वहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाती हुई कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाना खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी, ऐसा कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल का ऊपर का कमरा था उसे खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया, बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी, जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चे को सिखलाती है, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है,
बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी? तब वह कहने लगी, माता मैं तो कुछ भी नहीं भूली हूँ, न ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, अब आगे बतलाओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने के लिए गई। जेठानी ने फिर से एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवे मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन बना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का प्रकोप फूट पड़ा, बोली, हे भगवान, इसे देखकर ऐसी क्या उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हे माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस तरह माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे, जो पढ़े और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हों। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माधारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो, ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि वदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे, ओम
जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर डुरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मनवांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।